क्लास अब टॉपिक है आपका वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने में वर्क डन। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल इस तरह का रखा हुआ है, ठीक है, और इसको अब इसमें रोटेट कराना है, तो हमें इसको रोटेट कराने में वर्क डन निकालना है। ठीक है, कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने निकाला था कि किसी डाइपोल को, कोई डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, है ना, टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कितना होता था, PE साइन थीटा होता था। ये हमने डेरिवेशन भी किया है, देखिएगा आप लोग, इस तरह का उसका डायग्राम भी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। ठीक, तो ये क्या है, क्या टॉपिक था हमारा, कि कोई भी डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो होता है PE साइन थीटा। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको हमें रोटेट कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने माना एक छोटा सा एंगल डी थीटा रोटेट कराया, हमने छोटा सा एंगल डी थीटा रोटेट कराया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर रोटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा, ओके, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्योंकि रोटेट होगा तो ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ओके। अब टॉर्क कितना है हमारा, PE साइन थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, छोटा सा तो हमने घुमाया है डी थीटा एंगल। ठीक, अब इसको DW ले लो, छोटा वर्क डन। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो, टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना हो तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से थीटा, ओके, और ये हो जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा। आप देखिए PE बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से थीटा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से थीटा। फिर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट थीटा है यानी थीटा की जगह पे थीटा रखेंगे, माइनस कॉस थीटा, और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 कॉस 0। ठीक, तो PE माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो W इक्वल टू आ जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका, क्या टॉपिक है हमारा, कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराया जाए तो वर्क डन। ठीक, सिर्फ रखा जाए तो वहाँ पे टॉर्क लगता है, और रोटेट कराने पर वर्क डन लगेगा, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, क्लियर।